मैं हूं प्रिया, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। 2019 शुरू ही हुआ है कि बीजेपी सरकार ने मास्टर स्टॉक चल दिया है। वहीं बात करें, अब तक बीजेपी सरकार बात करती हुई आई है स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया। ये आरक्षण की बात बीच में कहां से आ गई? आज हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे जानेंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं आरक्षण के बारे में। ये हमारी युवा है, ये हमारे भारत का फ्यूचर है, कह सकते हैं ये हमारे भारत का भविष्य है। ये क्या जानती है, ये क्या कहती है इसके बारे में, चलो जानते हैं। जो बीजेपी सरकार ने आरक्षण सवर्णों को 10% देने का जो फैसला किया है, आपको क्या लगता है ये बीजेपी सरकार का एक रणनीति थी जीतने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए? हाँ, ये रणनीति है उनकी जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने आरक्षण दे के सबसे बड़ी गलती ये नहीं देना चाहिए था। अगर ये ख्याल आ जाए पिछले 4.5 सालों से क्यों नहीं आया उन्हें? हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा पिछले 4.5 सालों से क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया, चुनाव के वक्त पर ही क्यों आया? चुनाव के वक्त पर इसलिए आया क्योंकि उन्हें डर था कि हम कहीं हार नहीं जाएं, वोट उन्हें कम मिलेंगे, इसीलिए उन्हें आरक्षण ये लागू किया है। पिछले साढ़े चार साल से उन्हें ये अनुमान नहीं हुआ कि ले हमें आरक्षण चालू करना है या नहीं करना है। लेकिन बीजेपी सरकार ने तो काफी सारे वादे किए थे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। वादे किए थे और वादे निभाए नहीं उन्होंने, जो उनके वादे थे वो सारे झूठे थे, आधे आधे वादे निभाए हैं। कुछ बिहार में ऐसे अभी भी गांव हैं उनमें खम्भे तक नहीं गड़े, जिस गांव में खम्भे गड़े उन खम्भे पर कभी तार खींचे ही नहीं, तो तार खींचने के बाद जो घर में मीटर लगाए गए हैं वो मीटर भी उन्होंने लाइट है ही नहीं है, पता नहीं कहाँ लुप्त होगी उनकी लाइट। लेकिन 10% जो उन्होंने फैसला किया है उच्च शिक्षा वर्ग में देने के लिए, तो उसको इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये एक मास्टर स्ट्रोक है जैसा कि सभी जानते हैं, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, अब इसके बाद गवर्नमेंट पास टाइम ही नहीं है, हैं तो उन्होंने अपना काम कर दिया जिससे लोगों को लगे कि उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा है, जबकि उन्हें ये भी बात उन्हें भी पता है कि कोई बात भारत में अगर संविधान में संशोधन होगी तो पहले न्यायपालिका में जाएगी। और जैसा कि सभी जानते हैं कि कोई भी हमारे देश में इतनी आसानी से मुकदमा वगैरह कोई भी होती है इतनी आसानी से कभी ख़त्म नहीं होती, हज़ारों पेंडिंग है, एक और उनकी लिस्ट बढ़ जाती है, हैं और टाइम बचा है नहीं है, अब चुनाव आ रहे हैं तो उनको भी पता है वो जाना है नहीं है, तो न्यायपालिका से इसे मंजूरी मिलेगी ही नहीं, तो उन्हें भी पता है इससे कुछ होगा ही नहीं, तो फिर उन्होंने कह दिया। अब लोगों को तो एक बहलावा दे दिया ताकि लोगों को लगे कि इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जिससे कि ये एक प्रलोभन की तरह साबित हुआ और वो होना जल्दी जल्दी। लेकिन बीजेपी सरकार कश्मीर में जो 370 लगाए उसकी भी बात कर रही थी, अब तक वो भी नहीं हुआ है, इतनी आसानी से वो हटने भी नहीं वाली, उन्होंने फिर भी कोशिश की हुई, क्योंकि हाँ यहाँ पहले बात न्यायपालिका में आती है, आपके किसी के पास कोई मुद्दा हो लेकिन न्यायपालिका में जब तक बात सिद्ध नहीं हो जाती तब तक वो हटती नहीं है, और ये इतनी आसानी हट नहीं सकती क्योंकि उनको भी पता है। लेकिन अब उनको तो मुद्दा चाहिए, चाहे कश्मीर का हो, चाहे अयोध्या का हो और चाहे आरक्षण का हो, उन्हें एक मुद्दा मिल गया, उन्होंने मुद्दा उठा दिया और मुद्दे से खेलने लगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि उन्होंने मुद्दा उठा दिया उस पर 10% आरक्षण देने के लिए, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? बीजेपी 10% आरक्षण दे नहीं रही बल्कि मांग रही है अब जनता से आरक्षण, जिससे कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके। अगर इसी तरीके से उन्हें आरक्षण देना था तो 4.5 साल पहले कहाँ थी बीजेपी, 4.5 साल पहले कहाँ थी बीजेपी जब उन्हें करना था ना? बस उनके लिए सिर्फ एक गेम होता है जिसे वो उछाल देते हैं और जो हमारी जनता है उसमें उलझी रहती है, जिसका जीता जाता उदाहरण हमारा अयोध्या का मंदिर है ना, तो वो अब तक बन पाया है और बीजेपी ने सिर्फ वादे किए हैं, ना कुछ किया ना कर। गेम होता है ये? हाँ, ये गेम है एक तरीके, जैसे कि इन्होंने कहा गेम होता है, क्या कहना है आपको? हर नेता राजनीति कर रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो उन्होंने भी देखा जब अभी हारे हैं तो उनके बाद भी हर व्यक्ति करता है, तो उन्होंने भी एक प्रयास किया है जिससे कि लोगों को लगे, लेकिन इसके कोई चांसेस नहीं है कि ये कोर्ट से बाहर मतलब कोर्ट में पास। जैसे जब भी जो हमारे वोटिंग होती है, चुनाव पास में आते हैं, तो लोग जितने भी पार्टी हैं वो पहले मुद्दा लेती हैं राम मंदिर का मुद्दा लेती हैं, जैसे कि हाँ ये काम हो जाएगा तो हम राम मंदिर बनवाएंगे, हमें चुनाव दो, हमें वोट दो, तो क्या कहना है आपको? देखिए, अगर ये तो मुद्दा है, अगर इसलिए जब ये बिल पास होता है तो विपक्ष भी इसलिए मना करता है, मान लो अगर आज कोई पक्ष राम मंदिर का वो कर रहा है, वादा कर रहा है, तो विपक्ष इसलिए मना करेगा क्योंकि कल को उसे भी तो वादा करना है उसका, तो अगर ये मुद्दा यहीं खत्म हो गया तो फिर आगे किस मुद्दे को लाएंगे, फिर आगे नया मुद्दा ढूंढना पड़ेगा, मुद्दे इतनी आसानी से नहीं मिलते, गड़े मुद्दे उखाड़ने पड़ते हैं। हाँ, उखाड़ने करनी पड़ती है। सही कहा आपने, गड़े मुद्दे उखाड़ने पड़ते हैं। आपको क्या कहना है? जो अभी चुनाव आने वाले हैं आरक्षण के ऊपर, जो सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है बीजेपी सरकार ने,
तो इसको क्या कहना है? इसमें जो कि जनरल रेखा है देश के अंदर 10% 12% है, OBC 64% है, SC 33% है और अदर ST है। 10% को 12% को 10% आरक्षण दे रहे हैं और 64% OBC है उनको 27% आरक्षण दिया जा रहा है, 33% को 21% दिया जा रहा है। ये तरीका गलत है, सही है? ये तरीका बिल्कुल गलत है। कोई जनरल को 12% जनरल होते हुए उनको 10% आरक्षण, OBC 64% होते हुए उनको 27% आरक्षण दिया जा रहा है, 33% SC होते हुए उनको 21% आरक्षण। क्या ये आरक्षण दिया जा रहा है 50%, ये हमारे देश में विकास के लिए सही है? विकास के लिए तो अब देख लो तुम, आरक्षण सबको दिया जा रहा है ऑब्वियसली, मैं OBC और SC ST तो 10% जनरल आई डोंट थिंक सो बैड बिकॉज यू नो जनरल कैटेगरी मीन जैसा कि हम पहले जानते हैं SC ST कैटेगरी वाले और जो OBC थे वो उनकी सीट्स ले लेते थे जो मैक्सिमम ओवर मार्क्स करके, तो 10% जनरल को दिया है तो मीन एक कैटेगरी को पीछे छोड़ के तुम कंट्री के, तो तुम ये भी तो नहीं कह सकते कि तुम डेवलपमेंट करोगे, तो आई डोंट थिंक सो। हमारे साथ और भी युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे। जहां देखें तो बीजेपी 4 राज्यों में हारने के बाद उसने 10% आरक्षण देने का जो फैसला किया है, क्या ये उच्च वर्ग वालों को साधने के लिए ये सब किया है? क्या कहना है? सर्वट समाज की एक मांग थी, मांग के अनुसार उन्होंने आरक्षण लाया, क्योंकि देखो हारने की बात आती है तो कोई व्यक्ति ठोकर खा के गिर भी जाता है। जो व्यक्ति यहाँ सरकार गठबंधन बनाकर सरकार बना रही, गठबंधन नहीं कर रही है, वो ठगबंधन कर रही है, एक तरह का समाज को ठग रही है। गठबंधन करके किसी चीज को गांठ मार के चलाया जाए वो नहीं चल सकता, उसमें नाम ही होगा या गांठ लगी है उसमें। इस प्रकार से मैं कहूँगा जो आरक्षण है वैसे 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 49.5 है जो दिया है, लेकिन आरक्षण उन लोगों के लिए, उनके लिए शर्त भी है कुछ, 100 फीट से ज़्यादा मकान, 1000 वर्ग गज से ज़्यादा मकान, फीट वर्ग से मकान ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उनके लिए जैसे इनकम होती है सालन इनकम वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात ये भी आती है का 8 लाख व्यक्ति इनकम है तो 66,000 रुपये महीने हो गया, तो आरक्षण की बात यहाँ आती है तो आरक्षण देगी सरकार तो उसमें 3 लाख पर वो लगाती है, टैक्स लगाती क्यों लगाती है, ये भी बात आती है यहाँ करके। ये तो एक प्लानिंग उन्होंने वोट जीतने की बनाई थी प्लानिंग। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि जो ये 10% देने का जो मांग की थी सरकार ने, फैसला किया है वो प्लानिंग है एक तरह से जीतने की, जो वोट आने वाले हैं अभी पास में। प्लानिंग तो वैसे दूर से दिख रही प्लानिंग उनकी, क्योंकि ये हारने के बावजूद भी मतलब जो 4 राज्यों में उनकी हार हुई है तो उनको पता है कि यूपी में भी उनकी बहुत करारी हार होने वाली है, इसीलिए उन्होंने ये आरक्षण लागू किया है। हमारे साथ कुछ गर्ल्स भी हैं जो कि हम उनसे पूछेंगे उनकी क्या राय है, वो इसमें 10% आरक्षण देने में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हाँ जी, आप बोलिए जी। मैं कहना चाहूँगी कि 10% आरक्षण जो किया है मोदी सरकार ने वो ठीक नहीं किया है, क्योंकि पहले से 49.9% था, उसको आगे करने की जगह पीछे करना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, कम करने चाहिए उसको, और यही सभी के लिए ठीक है। ज़्यादा करने 50% आरक्षण देश के लिए हानिकारक हो सकता है, पूरे विश्व के लिए हानिकारक। तो आपको क्या लगता है, आरक्षण होना चाहिए देश में? जी होना चाहिए, पर इतना नहीं होना चाहिए, जो था ये वो उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए उससे, मेरा ये कहना है। अच्छा, आपको क्या लगता है? हम इस देश के युवा है और हमें अपने देश की तरक्की के लिए सोचना है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण देश को नहीं होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से पीछे हटेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से पीछे हटेगा तब 60% हमारे देश में आरक्षण होगा, जो कि हमारे देश की तरक्की को रोक देगा। हम आज के युवा हैं, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें 10% आरक्षण कम मिल जाएगा तो हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, हमें अपनी देश की तरक्की देखनी है, जिसके अकॉर्डिंग आरक्षण बिल्कुल गलत है। इनका कहना है कि जो देश की युवा है उच्च वर्ग वाले हैं उनको 10% आरक्षण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपना फ्यूचर खुद चुन सकते हैं। तो क्या कहना है आपको? आरक्षण, पहले बात तो आरक्षण किसी को देना ही नहीं चाहिए, आरक्षण बंद ही कर देना चाहिए जी, क्योंकि आरक्षण की वजह से एक तो जातिवाद पैदा हो रहा है और लोगों में अपनी अपनी जाति की आरक्षण बंद क्यों करना चाहिए? आरक्षण बंद क्यों कर देना चाहिए? आरक्षण उन लोगों को देना चाहिए जो लोग गरीब हैं, जो मतलब बेचारे गरीब की उनके पास पैसे नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको आरक्षण देना चाहिए। आपको क्या लगता है, आरक्षण बंद कर देना चाहिए? देखिए, आरक्षण जो बीजेपी सरकार ने एक तरह का सिक्का को चाल के देखा है, पट्ट भी उनका है, चित्त भी उनका है। यदि आरक्षण को मांग कर दिया जाए
हो गया लागू, नहीं आरक्षण बंद कर देना चाहिए। नहीं वैसे आरक्षण तो सबके लिए बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण 100% जीरो पे आ जाना चाहिए, सब समाज के लिए एकत्रित होना चाहिए। लेकिन आरक्षण अगर ये खत्म कर दिया जाएगा तो जो बेचारे गरीब हैं, विकलांग हैं, वो फिर क्या करेंगे? आरक्षण उन लोगों को देना चाहिए, लेकिन जो लोग आज मेहनत करके वो ऊपर पहुंच रहे हैं वो नीचे आ रहे हैं, और जो आज मेहनत नहीं कर पा रहे हैं वो बेचारे वो सबसे ऊपर पहुँच गए हैं। तो ये आरक्षण उन लोगों के लिए होना चाहिए जो यहाँ पर अपनी मेहनत। तो ऐसे तो ये हो जाएगा, जो भी सरकार आएगी आरक्षण दो वोट लो, आरक्षण दो वोट लो, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आरक्षण मीन ये बोल रहे हैं कि जैसे नहीं, सरकार का तो ये हो जाएगा जब वोटिंग होगी, चुनाव होंगे, तो आरक्षण दो और वोट लो। हाँ। ये कहाँ तक सही है बात? ये मेरा मानना है कि जैसे कि ये सरकार, ये तो खेल बन गया है ना सरकार के लिए। या ये मेरा मानना है कि ये सरकार से जो चार राज्यों में हार गई है वो अब यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं उन्होंने ये एक चाल बनाई है, राजनीति रणनीति है ये जी। जो वो आरक्षण हमें जनरल हाई कास्ट को 10% देना चाहते हैं, वो अपने जनरल जो हाई कास्ट लेवल वो है वो अपने जो गरीब हैं उनके लिए। और प्लस ये जब आरक्षण अब चालू किया है तो ये पहले क्यों नहीं था? जो जनरल हाई कास्ट में मैंने देखा है ज़्यादातर व्यक्ति नौकरियों पर नहीं लगते, अगर वो अब पहले नहीं लगते थे, बहुत ही कम लगते थे, और OBC SC इनमें से ज़्यादातर लगते थे। तो ये अब उन्होंने ये आरक्षण जो दिया गया था 50% संविधान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 50% से ज़्यादा अगर आरक्षण होता है तो वहीं वो देश विकास नहीं कर पाएगा। तो इसके बारे में क्या कहना? यही इस BJP सरकार ने 10% आरक्षण देने की और मांग कर दी है। या ये एक सही बताया है, जो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, सही बात है। क्योंकि अच्छा 50% से ज़्यादा आरक्षण वाले देश, जो ज़्यादा आरक्षण होता है वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। हाँ 50% से ज़्यादा जो आरक्षण होता है वो देश तरक्की नहीं कर पाता है। क्या कहना है आपको? आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त पे, बताइए, बोलिए कुछ। हाँ देखिए, अब ये कितनी सही बात है कि जो चुनाव आ रहे हैं, जैसे चुनाव आ रहे हैं, इसने 10% मांग कर दी है तो वहीं पे 60% आरक्षण हो गया, तो ये विकास के लिए सही नहीं है, संभव नहीं है। हमारा जो देश है ना वो विकास नहीं कर पाएगा ऐसे। देखिए आप अमेरिका को देखिए, ज़्यादा 200-250 साल ज़्यादा देश समय नहीं हुआ, 200-250 वर्ष से ज़्यादा समय नहीं हुआ उस देश को, आज कहाँ है वो देश? आप चीन को देखिए, हमसे ज़्यादा जनसंख्या है लेकिन वो फिर भी वो देश तरक्की पे है। आप जापान को देखिए, वहाँ के लोगों का शरीर ऐसा नहीं होता, मतलब वो शरीर से भी थोड़ा ऐसे होते हैं कि वो वैसे गेम्स होते हैं क्रिकेट वगैरह उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते, फिर भी देश देखिए टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। हम जात पात में लगे रहे और वो लोग उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने टैलेंट पे ध्यान दिया। जैसा कि इन्होंने कहा है कि हमारे देश में जातवाद ज़्यादा चलती है, आरक्षण को ले लो, जब बीच में आरक्षण की बात आ जाती है तो ये एक जातवाद की बात होती है, ठीक है? तो आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है अभी दिमाग में कि जो 10% आरक्षण दिया गया है वो कितना सही है? पहली बात तो हमें आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, यह डिपेंडेबल, हम खुद कर सकते हैं। अगर आरक्षण 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो GDP जो है ना वो तो कमी हो जाएगी ना, कोई काम ही नहीं करेगा, इससे अच्छा आरक्षण नहीं करना चाहिए। पहली बात तो मुझे ये सरकार पसंद ही नहीं है, तो इसके जो ये फालतू के ये नुस्खे हैं ना, इसके ऐसे ही है सरकार जैसी, तो मुझे नहीं पसंद ये सरकार। हमारी युवा बहुत गुस्साए हुए हैं, वो कह रही है कि ये सरकार ही पसंद नहीं है, उसका काम पसंद नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार ने अब तक जो जीती थी 2014 से अब तक उसने कोई काम नहीं किया है? मोदी जी ने लगाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी पढ़ रही है, क्या बेटी बच रही है? सच में बच रही है। लेकिन मोदी जी अभी तक लेके आए थे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये जो लेके आए इस पे कोई स्टैंड नहीं हुआ है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले तो इसी पे, सबसे पहले 2014 में स्कीम निकाली थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये अभी तक सही नहीं हो रही है क्या? आगरा में, आगरा का वो देख लो एक्सीडेंट क्या हो रहा है, ये तो ऐसी सरकार से कोई फायदा थोड़ी ना। आई हेट दिस सरकार, आई हेट दिस गवर्नमेंट। इन्होंने जैसे कहा ये सरकार को बहुत गुस्सा ही हुए हैं, सरकार से बहुत नाराज हैं। हमारे साथ कुछ और भी युवा है, हम उनसे जानेंगे वो कितना सोचते हैं, सरकार से खुश है या नहीं है, सरकार से कितना खुश है। आपको कैसी लगती है सरकार जो कि ये जो अभी लेकर आई थी? मुझे पॉलिटिक्स से ही नफरत है जी, इन्होंने तो एक शब्द में ही बोल दिया, इन्हें पॉलिटिक्स से ही नफरत है। लेकिन कुछ तो क्यों नफरत है इसके, मतलब क्यों अच्छी बुरी लगती है, क्या क्या कमी है, क्या खामियां है सरकार में? सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होती है, जब वोट का टाइम आता है तब जनता के लिए सोच लेती है, और जब वोटिंग लाइन खत्म
जनता के लिए कोई कुछ नहीं सोचेगी और ना, और जनरल वालों की जब बात आती है तो अब तक जनरल वालों के लिए सरकार ने कराई क्या है, जो भी क्या एससी ओबीसी एसटी वाले। लेकिन बीजेपी सरकार तो ये भी कहती है कि हम ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमने जो एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था उस पे ये काम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये लागू हुआ है। बेटियाँ फिर भी नहीं बच रही हैं, बेटियाँ तो फिर भी नहीं बच रही हैं। आजकल भारत में बहुत क्राइम हो रहे हैं, इसे क्या हमें 10% से क्या हो जाएगा, 10% से हमारी ज़िंदगी तो कट नहीं रही है। हम तो अपने मेहनत करके खुद कमा सकते हैं, तो उसे हमें 10% ये तो एक वो कर दिया गया है जैसे कि खुद रोटी दिखाते जाओ कुत्ता पीछे भागता जाएगा। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कहीं ना कहीं जो 10% आरक्षण मिला है ना, वो जो उच्च वर्ग वाले हैं जो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के साथ साथ उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी इससे फायदा होगा कुछ 10% मिलने के बाद। हाँ तो जो लोग गरीब हैं उन लोगों को फायदा होगा, हम लोगों को नहीं। तो आपने तो अभी ये कहा था कि 10% जो आरक्षण मिला बेकार है। हाँ तो 10% जो आरक्षण मिल रहा है वो तो वैसे भी बेकार है हम लोगों। लेकिन जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं 10% वो तो बहुत खुश है, वो तो कह रहे हैं ये सही है, जो भी फैसला हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है हमारे हित के लिए हुआ है। वो तो खुश रहेंगे, अगर उन्हें दो नंबर उनके कम रह रहे हैं तो उन्हें 10% वो तो आराम से नौकरी। तो ये सही नहीं है, ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, ये आपके हिसाब से गलत है। भाई में आ जाएगा ना, जितना जोर उन्होंने आरक्षण पे लगाया उतना जो धारा नंबर 370 और अयोध्या में जो मंदिर बना उस पर जोर लगाना चाहिए, इस पे क्यों लगा रहे हैं? नहीं वो तो इसलिए लोग कहते हैं कि वो उन्हें जीतना है क्योंकि चुनाव पास में आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें एक मुद्दा चाहिए, लोगों की अपनी चर्चा बनी रहे, बीजेपी पार्टी की चर्चा बनी रहे कि हाँ बीजेपी पार्टी ने ये सब किया है तो इसके बारे में क्या कहेंगे। हाँ, तो बीजेपी अजय चुनाव से पहले भी उन्होंने अयोध्या मंदिर बनवाने की जो बात की थी वो तो आज हुआ नहीं, मतलब चुनाव खत्म मंदिर भी खत्म। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता तो ये भी कहते हैं कि अब 2019 के बाद राम मंदिर बनेगा, लेकिन अगर सरकार आई तो बनेगा, क्या पता ये बात अभी झूठा निकला तो जी। इसकी क्या गारंटी है राम मंदिर बन जाएगा अभी एक साल में, जब 4 साल से नहीं बन पाया तो क्या गारंटी है जो अभी एक साल में बन जाएगा? वही रहता है इलेक्शन के टाइम तो उन्हें जनता की याद आ जाती है कि हाँ जनता है जनता है। राम मंदिर तो 20 सालों से बन रहा है, हर बार सरकार आती है हर बार निकल जाती है। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार जब भी किसी की आती है तो उसी मुद्दे को उठाती है। सरकार राम मंदिर क्या बनाएगी, एक लड़कियों को तो बचा नहीं पा रही है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल रही नहीं है, स्ट्रिक्ट कर रही नहीं है, पुलिस वाले अपना काम ढंग से कर रहे नहीं है, तो ये रिश्वत चाहिए। हाँ ये रिजर्वेशन वालों को भी रिश्वत चाहिए, कोई भी काम करते हैं। जो आरक्षण निकाला है इस टॉपिक को हटा के लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, अगर इन्हें ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते ना तो ये जो आगरा वाली इंसिडेंट हुआ है ना वो नहीं होता, इसलिए ये सरकार तो होनी ही नहीं चाहिए आई थिंक। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? हाँ अखिलेश भैया की होनी चाहिए। अच्छा अखिलेश जी की होनी चाहिए, कुछ युवा या अखिलेश जी के पक्ष में वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस 10% आरक्षण जो मिला है इसके बारे में क्या कहोगे आप? आरक्षण का मतलब ये नहीं है हम लोगों को युवाओं की कमर तोड़ दी जा रही है, बैसाखियाँ पकड़ा दी जा रही है हम लोगों को आरक्षण देने से। हम लोग जब ये मोदी जी चाहते हैं डिजिटल इंडिया बने तो कैसे बनेगा, जब बैसाखी के साथ हम चलेंगे तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत कर पाएंगे हम? कभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे कि इन्होंने कहा आरक्षण एक वैसा की है। हाँ, आरक्षण एक वैसा की है तो क्या आरक्षण लॉलीपॉप दी जा रही है इसमें? हाँ, क्या आरक्षण वैसा की है? हमें युवाओं का कहना है कि बीजेपी सरकार हमें नए वादे से अच्छे हमारे पुराने वादों को पूरा करे तो शायद उनकी सरकार बन सकती है, वो भी कहा नहीं जा। अभी मोदी जी ने बोला कि हम चाहते तो चुनाव अभी कर्नाटक में भी हुए मध्य प्रदेश में हुआ तब भी हम आरक्षण की बात कर सकते थे, लेकिन वो चुनाव एक सीएम के थे, ये लेकिन लोग उसके पीएम के चुनाव है, इसीलिए इस बात को अभी क्यों उखाड़ा, उस टाइम क्यों नहीं उखाड़ा जब इसके चुनाव होने वाले थे, अभी क्यों उस बात को किया? क्योंकि वोट चाहते हैं हम हमारी सरकार के। 4 देश जो हार चुके हैं अभी से भी हारने की पूरी जिम्मेदारी है, इसीलिए एक ने से एक लालच दे दिया है कि अगर हम इसे 10% आरक्षण देंगे तो हम जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके कहने का मतलब है कि जो बीजेपी सरकार है वो डर गई है, सीधी बात में बोले बीजेपी सरकार डर गई है इसलिए उसने 10% आरक्षण रखा है। देखिए जो सर्वर समाज के लोग हैं उनको बैंक वोट माना जाता है बीजेपी का, आज जो बीजेपी ने जो मेन मुद्दा उठा रहा है आरक्षण का जो समाज को सर्वर समाज के लोगों को जोड़ने के लिए उठा रहा है, क्योंकि जो इस समय लोग इससे खिलाफ थे इस पार्टी से, इसलिए मेन मुद्दा इसलिए उठा रहा था उन्होंने ये समाज को जोड़ने के लिए।
अच्छा, जैसे इन्होंने बोला कि जो बीजेपी सरकार ने जो मेन मुद्दा उखाड़ा है ना आरक्षण वाला, समाज को जोड़ने के लिए, तो क्या करें? जोड़ने के लिए उखाड़ा है, अगर वो हारते नहीं, अगर वो जीते जाते तो ये चुनाव पास में आ गए हैं, तो अब क्या करेंगे? अब एक ही मुद्दा उनके पास बचा है, और तो कुछ कर नहीं सकते, समय है नहीं। जोड़ना ही था तो जो एस सी एस टी एक्ट क्यों लगाई उन्होंने, जब सवर्णों को जोड़ना था, अब कुछ नहीं हो सकता, ना तो सवर्ण उनके साथ है ना एस सी और एस टी। आरक्षण तो पहले से ही मिल रहा था, हम और 10% आरक्षण का क्या करेंगे? सरकार जोड़ना चाहती तो वो रिजर्वेशन ही खत्म कर देती, ये 10% जनरल वालों को और नहीं देती। लॉलीपॉप तो दिया है ना, बस ये खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण होना नहीं चाहिए, होना चाहिए तो दोनों का इक्वल होना चाहिए। जातिवाद तो है ही है, और बढ़ाना चाहती है जातिवाद को। जैसे कि हमने अभी अपनी युवाओं से बात करी, युवा इतनी गुस्से में गुस्साएं हुई है कि वो कह रही है कि 10% जो आरक्षण मिला है वो मिलना नहीं चाहिए, सबको इक्वालिटी होनी चाहिए। यही हम अपनी यही समाप्त करते हैं, और जाते जाते यही कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।